नमस्कार दोस्तों, मैं काजल नतूड़ी स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल द ऑर्चरिंग में। तो आज हम बात करेंगे कि कौन रहा बिग बॉस सीजन 15 का विनर। छोटे पर्दे का विवाद रियलिटी शो बिग बॉस 15 को रविवार को अपना विनर मिल गया है। इस सीजन को मशहूर एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश ने अपने नाम कर लिया है, जबकि प्रतीक सहजपाल फर्स्ट रनर अप साबित हुए, वहीं करण कुंद्रा शो में दूसरे रनर अप बने। तेजस्वी को अब शो की ट्रॉफी के साथ 40 लाख रुपए प्राइज मनी भी मिली। इस सीजन की प्राइज मनी 40 लाख रुपए नहीं बल्कि 50 लाख रुपए थी, जिसमें से ब्रीफकेस वाले टास्क के दौरान 10 लाख रुपए काट दिए गए। फिनाले में तेजस्वी को अपने बॉयफ्रेंड और को कंटेस्टेंट करण कुंद्रा के अलावा शमिता शेट्टी, प्रतीक सहजपाल और निशांत भट्ट ने कड़ी टक्कर दी। टॉप 6 में पहुँचने के बाद जहाँ रश्मि देसाई कम वोटों के कारण बेघर हो गई, वहीं निशांत भट्ट ने 10 लाख रुपए का ब्रीफकेस लेकर फिनाले रेस से खुद को बाहर कर लिया। इस तरह टॉप 3 की में करण और प्रतीक के अलावा तेजस्वी प्रकाश रह गई। इसके बाद टॉप 2 में प्रतीक और तेजस्वी की एंट्री हुई। दोनों के बीच पूरे गेम शो के दौरान कांटे की टक्कर देखी गई। हालांकि अंदाजा लगाया जा रहा था कि तेजस्वी प्रकाश ही इस सीजन की विनर बनेंगी, जबकि प्रतीक फर्स्ट रनर अप रहेंगे। फिनाले में तेजस्वी और प्रतीक के बीच कड़ी टक्कर थी। शो में मौजूद सभी लोग प्रतीक को विनर मान रहे थे, यहां तक सोशल मीडिया पर भी प्रतीक के नाम की चर्चा थी। लेकिन इस बार की ट्रॉफी तेजस्वी के नाम लिखी थी, इसलिए उन्होंने फाइनल मुकाबले में प्रतीक को हराकर चमचमाती ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। बिग बॉस 15 की ट्रॉफी जीतने के बाद तेजस्वी प्रकाश ने फैमिली और फैंस के साथ साथ करण कुंद्रा को भी शुक्रिया किया। सलमान खान ने जब तेजस्वी का हाथ ऊपर कर विनर के तौर पर उनका नाम अनाउंस किया तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, वे खुशी से उछल पड़ी। बिग बॉस में आते ही तेजस्वी प्रकाश की लॉटरी ही लग गई है। इस शो में आने के बाद उनकी एक तरह से नई पारी का आगाज हुआ है। तेजस्वी प्रकाश इस शो के विनर तो बनी ही है, लेकिन वो एकता कपूर के शो नागिन 6 की नागिन भी बन गई हैं। जी हाँ, उन्हें ये शो ऑफर हुआ है और इसका ऑफिशियल ऐलान भी बिग बॉस 15 के मंच से ही कर दिया गया था। नागिन 6 की लीड एक्ट्रेस होंगी तेजस्वी प्रकाश। बिग बॉस का शो जीतने पर तेजस्वी को 40 लाख रुपए और ट्रॉफी भी मिली है, और अब घर से बाहर आने के बाद वो जल्द ही नागिन 6 की शूटिंग भी शुरू कर देंगी। इस तरह तेजस्वी प्रकाश के बिग बॉस 15 की ट्रॉफी जीतने के साथ ही इस सीजन का सफर खत्म हो गया है। 15वें सीजन की शुरुआत 16 कंटेस्टेंट के साथ की थी। इनमें से 3 कंटेस्टेंट शमिता शेट्टी, प्रतीक सहजपाल और निशांत भट्ट की एंट्री बिग बॉस ओटीटी से हुई थी। जहां शमिता, निशांत और प्रतीक के पास बिग बॉस ओटीटी का एक्सपीरियंस था, वहीं तेजस्वी एकदम नई, जिन्हें इस रियलिटी गेम का कुछ अंदाजा नहीं था, लेकिन उन्होंने बीते वक्त के साथ खुद को साबित किया और एक मजबूत कंटेस्टेंट के रूप में उभरी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मनोरंजक खबरों को सुनने के लिए बने रहे हमारे चैनल द ऑर्चरिंग के साथ। धन्यवाद।